सहरा से ली रेत, रेत से बनाया चिप, चिप से बनाया फलाना, फलाने से उसके जोड़ दिए, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर उसने क्या क्या कर करके मादे को मैनिपुलेट करके एक मोबाइल फोन बना कर दे दिया। वो है गॉड, वो है गॉड इस दुनिया का। और वो आज यहूदी है, आज वो वेस्टर्न दुनिया है। दे क्रिएट थिंग्स आउट ऑफ मटीरियल विच इज प्रोवाइडेड, और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया हुआ है, पूरी दुनिया को। दुनिया की सारी जो वेल्थ है वो कुछ चंद 10 लोगों के पास है। एक शख्स जो है वो इतना इतना अमीर है, अमेजोन का बंदा देख लें, $124 बिलियन का वो मालिक है। इतना इतना पैसा, इतना इतना पैसा कि आप हैरान हो जाते हैं सोच के। तो ये चीजें कहां से आई हैं? मैनिपुलेशन, जिसने मादे को मैनिपुलेट कर दिया वो इस दुनिया का इन्वर्टेड कोमा गॉड बन चुका हुआ है। और यही फितना है, दज्जाल है। दज्जाल मादे का गुलाम बनाएगा सबको, मादे की तरफ खींचेगा। ये है फिजिकल नॉलेज। इसके अंदर प्योर मटीरियलिज्म आता है, प्योर मैटर। और इसका नुकसान क्या है? अगर आप सिर्फ इस चीज की तरफ भागते रहे, मादे की तरफ, तो आप दो किस्म की चीजें जन्म करेंगी आपके वजूद के अंदर, सबकॉन्शियसली, बगैर आपको पता भी नहीं चलना। एक आपके अंदर ग्रीड आ जाएगा, लालचपुना, कि मैं ये भी हासिल कर लूं। हुब दुनिया, हुब दुनिया की हुब आ जाएगी। वो कराहियत मौत, और मौत से नफरत करोगे। नबी ने फरमाया ये वहन की बीमारी आ जाएगी तुम में, और फिर कुफार के दिल में तुम्हारा खौफ खत्म हो जाएगा, और तुम जिधर वो तुम्हें पाएंगे तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें एक मेज की तरह, दस्तरखान की तरह बुलाएंगे, आओ कोई इधर से खाए, कोई इधर से खाए, क्योंकि तुम्हें वहन की बीमारी लग जाएगी। और वहन की बीमारी जब सहाबा ने पूछा क्या, नबी ने कहा हुब दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, और मौत से भागना, मौत की तरफ ना जाना। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का फरमान सुन लीजिए, उन्होंने फरमाया अबू ओ उमर, दो चीजें याद रखना, मौत की तरफ भागना, मौत तुमसे दूर हो जाएगी, इज्जत की तरफ ना भागना, इज्जत खुद आएगी। अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु, जब नबी ने उनको तलवार दी थी, तलवार पे नबी पाक सल्लम की इंस्क्रिप्शन थी अरबी में, नबी की तलवार में, सुभान अल्लाह। और वो तलवार अबू दुजाना को जंग में दी थी, और कहा था देखना इस तलवार से तुम किसी मुसलमान को कत्ल ना करना। और उस तलवार पे जो इंस्क्रिप्शन थी वो है सबसे बड़ी बात। वो क्या लिखी थी? नबी ने फरमाया कि बुजदली एक बेशर्मी है, और कोई शख्स अपनी किस्मत से, बुजदली की वजह से अपनी किस्मत से नहीं बच सकता। जो होना है वो होना है, तुम रहो तो फिर शेर की तरह जियो, गीदड़ की तरह मत जियो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाओ, होना तो होना है, नहीं होना तो नहीं होना। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इसको नुकसान पहुंचाए और पूरी दुनिया और जिन्नात इकट्ठे हो जाए, मैं ना चाहूं तो उसको नहीं पहुंचा सकता, और अगर सारी दुनिया बचाए और मैं ना चाहूं वो नहीं बच सकता, बात खत्म होगी। इतनी स्पेकुलेशन क्यों होती है? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी तो है, वो भी तो है, मिसाल देते रहेंगे हर चीज की। कोई बंदा जो दीन का काम करेगा उसको 1000 इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, और खुद बैठा होगा आराम से मूवीज देख रहा होगा, केबलें देख रहा होगा। अपना अपना काम करो, और दीन वालों को दीन का काम करने दो, नहीं तो फिर आओ सामने और बात करो तुम्हारी जो लाइफ स्टाइल है वो क्यों ठीक है और हमारी क्यों गलत है। तो ये चीज समझने वाली। तो फिजिकल नॉलेज का क्या नुकसान हुआ? इंसान को दुनिया में आज बना दिया हुआ हवस, लालची, वो लालची हो गया है। और दूसरा मटीरियलिस्टिक, मादा परस्त, अंधा, अंधा हो चुका है दुनिया की मोहब्बत में। बस माल आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, रुपए आने चाहिए, कैसे हैं जैसे हैं हमारा मसला नहीं, आने चाहिए। यह है मादे की चीख। इसने फलसफे के एतबार से किन चीजों को जन्म दिया? बहुत डेंजरस चीजें। इंसान को बना दिया सबसे पहले सेक्युलरिस्ट, ला दीनियत, अल्लाह रसूल जो भी है, हिंदू है जो भी है, पूजा पाठ, रब को रखो अलग, रियासत को लगो अलग। वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी, इसका जन्म हुआ किस तरह? मादे परस्ती की वजह से। और यह आज पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है, छोड़ो गॉड को, सिर्फ बात करो जो सामने मौजूद है। इसने ये बना दिया इंसान को एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्युलरिस्ट। दूसरा एग्नोस्टिसिज्म, शक की, हर चीज पर शक करना, ये ऐसे है तो वो ऐसे है, आखिरत है कि नहीं है। क्योंकि जब सारा वक्त यूनिवर्सिटियों में यही पढ़ोगे
कि दिल बंदे का, बंदा मर गया, उसके दिल को ऑपरेट किया तो वो ठीक हो गया, दवाई खाई तो सर दर्द दूर हो गया, दुआओं से नहीं हो रहा, तो बस ठीक है, फिर वो यही समझेगा, शक करेगा हर चीज पे, मशकूक हो जाएगा। एग्नोस्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, ये भी उसी की एक बहन है, शक करना हर चीज पे, डाउट करना, फिर हर चीज को हाइपोथेसिस में ले जाना, हर चीज के बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, और एंड में कोई नतीजा ना निकालना, जहन के अंदर इन्फर ना हो, जोड़ ना बन सके, ये जो मंतिक जो होती है उसके जोड़ ना आपस में जुड़े, दिमाग के अंदर इस्तकराई मंतिक हो गई, लॉजिकल जो है डिडक्शन एंड लॉजिकल इंडक्शन, ये दोनों जब नहीं दिमाग को सूट करते, इंसान रिजेक्ट कर देता है, स्केप्टिसिज्म। और लास्ट फिर स्टेप होता है एथीइज्म, रब का ही इनकार कर दिया, बस मुल्हत, मैं बन गया हूं, अब मैंने किसी को मानना नहीं, छोड़ो ये सारी चीजें बकवास है, सब बनाया बनाया, एक्सीडेंटल बर्थ है, हर चीज एक्सीडेंट से पैदा हुई है। तो हम बोलते हैं एक्सीडेंट से पैदा हुई है, तो एक्सीडेंट किसने बनाया है? एक्सीडेंट किस खुद हो गया? एक्सीडेंट वो खुद हो गया, वो खुद हो गया, किसने बनाया है? तो ये ही सारी बस बात है। असल में वो दिमाग, आज का जो जहन है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, वो यही पढ़ाया जाता है कि ये सब बनाई हुई चीजें, औरत का पर्दा, सोशल लॉस, बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता, ये सब लोगों ने बनाया हुआ है। सेम जो सेक्सेस हैं उनका निकाह, ये लोगों की बनाई हुई चीजें हैं कि कौन सी चीज जो है वो नेगेटिव ऑफेंस रखती है जहन में, रिजेक्ट कर देता जहन, क्योंकि कल्चरल इन्फ्लुएंस है, ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस है। फितरती तौर पे हम आजाद हैं, हम जानवर हैं, बायोलॉजिकल एनिमल्स हैं, होमोसेपियंस हैं, तो उस एतबार से फिर वो अपने आप को जज करते हैं, ठीक है दफा करो, कि मैं क्या, मैंने क्या अपने आप को बंदरों में डाला हुआ है, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। तो असल बात है, इस वजह से आज मगरबी तहजीब खत्म होगी, क्योंकि उन्होंने दीन और अल्लाह का निजाम, अल्लाह की जो मैनुअल था उसको उन्होंने जाया कर दिया। ये है मादे ने दुनिया को दिया, मादा प्रस्ती ने दुनिया को दिया।